हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे नाउ डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एनालिटिक्स सो बिफोर इट बिगेन लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस बिफोर इट बिगेन यू प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो शुरुआत करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एनालिटिक्स सो बिज़नेस एनालिटिक्स होता क्या है और हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं सो इन दिस सिनेरियो बिजनेस एनालिटिक्स का हम एजेंडा देखेंगे कि एजेंडा क्या क्या है सो टूड एजेंडा व्हाट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनालिटिक्स कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स मेथड्स यूजेज एंड बेनिफिट्स ऑफ बिज़नेस एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक टूल्स अप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स सो आई विल डिस्कस वन बाई वन हम लोग इसके बारे में एक करके इसके बारे में जानेंगे सो so, वॉट इज़ बिजनेस एनाटिक्स ये इसका डिफिनेशन क्या होता है इसका परिभाषा क्या होता है सो डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट टू मेक प्रिडिक्शन एंड हेल्प डाटा ड्राइविंग डिसीजन मेकिंग इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई डेटा है अब डेटा कहाँ से आएगा डेटा आपको कहाँ से मिलेगी मान के चले आप कहीं पे आ, आज के ज़माने में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं पे ऑनलाइन किसी चीज़ का आ, मंगाने से पहले आप क्या करते हैं किसी चीज़ में वहाँ पे कंपल्सरी रहता है कि आप लॉग इन रजिस्टर के दें उसके बाद ही आपको एक्सेस करने के लिए देते हैं सो so, सबसे पहले हम और फिर अगला डिफिलेशन यह है कि आ, डबल डी एंड डबल पी डी मीन्स डाटा एंड अनदर डी मीन्स डिसीजन पी परफॉर्मेंस और प्रोडिक्शन डी मीन्स डेटा मतलब कि मान के चलिए आपके पास फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो आप लोग यूज़ किए ही होंगे जब आप इसमें लॉगिन और रजिस्टर करते हैं तो वो क्या करती है कंपनी आपका डेटा को एक्सेस करती है आपकी आप सोचते होंगे कि यही इससे क्या होगा लेकिन वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये डेटा है जिससे वो कि आपके मन को हाव भाव को पहचानते हैं बिहेवियर को पहचानते हैं आप किस टाइप का प्रोडक्ट सर्च करते हैं अपने सर्च बार में और प्राइस कैसा रहता है आप में जा लो टू हाई हाई टू लो प्राइस करते हैं कलर कौन सा यूज़ करते हैं कौन सा चूज़ करते हैं प्रोडक्ट कौन सा आपको है जैसे मान के चलिए आप कोई शूज़ ले लिए या फिर कोई आ, कोट ले लिए या फिर अभी आ, कलर्स फेस्टिवल्स में आप सर्च करिएगा तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप सर्च करेंगे उसका बिहेवियर आपको वो फाइंड कर लेगा पता कर लेगा आपके बारे में एंड अनदर वन इज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्या होता है कि परफॉर्मेंस जैसे कि वो आपकी रिव्यूज़ रेटिंग और मार्केटिंग में देखता है कि आप पार्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति आप कितने इच्छागृत हैं मतलब इट मीन्स आप कितने आप उसको चाहते हैं आप कौन सा कलर पसंद करते हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी अपने रेटिंग देंगे तो उससे वो एनालाइज करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आप आ, इंटर करो वेबसाइट में तो आपको क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड होम पेज में आपको ऑटोमेटिक वो शो करने लगेगा इट मीन्स वो जान चुका है कि आप इस तरह का पसंद करते हैं इसीलिए आपको वो डायरेक्टली शो कर देगा जिससे कि आप बहुत जल्दी आ, उससे आ, क्या बोलते हैं इसके आप उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे उस पर वो क्या करेंगे कंपनी वाले इतने चलाक होते हैं कि वहाँ पे क्या करेंगे आपको टैग लगा देंगे कि मतलब फिफ्टी परसेंट ऑफ है तो आपको मन उधर ही जाएगा और वो आप भी उसको ख़रीद लेंगे सो so ये होता है परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन अब प्रिडिक्शन करके ये यूज़ करते हैं कि विच प्रोडक्ट कस्टमर वांट और uh, कौन सा प्रिफ्रेंस ज़्यादा कस्टमर कर रहे हैं तो उस टाइप का नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करोगे तो वही मैं बताया कि uh, ऑफ़र्स uh, लगा देंगे कि इसके साथ ही लोगे तो बाई वन गेट वन फ्री तो ये सबसे प्रिडिक्शन करते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलते रहता है तो आज के समय में डेटा बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कि जिससे कि बड़े बड़े कंपनियाँ इसे यूज़ करके लाखों रुपये कमा रहे हैं आज के दिन सो लेट्स नाउ मूव ऑन एनाटिक्स इज़ द यूज़ ऑफ कहाँ हम यूज़ करते हैं इसको और एनाटिक्स होता क्या है सो अनालिटिक्स एक टूल्स होता है लाइक like यूज देअर्स एनाटिक्स मीन्स आप आ, कोई बिना अप्लीकेशंस के कुछ आपको डाटा उसको रिफाइंड या फिर उसको आ, आप ये नहीं कर सकते कि आ, आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते तो हमें सबसे ज़रूरत पड़ती है एनालिटिक्स तो एनाटिक्स हमारा क्या एक टूल्स होता है जो कि डेटा को क्या करता है विदाउट विदाउट एनाटिक्स डॉन्ट परफॉर्म एनी परफॉर्म विदाउट सॉफ्टवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर कॉन्ट परफॉर्म एनी फंक्सन सो so, uh, आते हैं डेटा डेटा तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि डेटा क्या होता है सो डेटा आज के तो समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में फिर इस्टेटिकल्स एनालिसिस स्टैटिकल एनालिसिस नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन ये क्या है कि मैथमेटिकल सिस्टम्स होते तो कैलकुलेसन है, है जिसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारा बंदा कितना वो विजिट करेगा तो कितना वो खरीदेगा सामान या नहीं सामान खरीदेगा वो उस टाइप का देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं क्वान्टिटिव मैथड्स एंड मैथमेटिकल और कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स सो टू गेन इम्प्रूव इनसाइट अबाउट बिजनेस ऑपरेशंस टू मेक बेटर फैक्ट बेस्ड डिसीजन इसका कहना का मतलब ये है कि जब हम मैथेमेटिकल मतलब कि कैलकुलेशन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें बहुत सारे इनसाइड मेन मीडियन मोड यूज़ करके इसमें पता करते हैं कि बंदा नेक्स्ट टाइम आ कितना हमारा यहाँ शॉपिंग करने वाला है सो so, और ये इससे क्या होता है कि एक्यूरेट डेटा मिलता है जैसे कि पिछले साल उसने देखा कि वहाँ पे वो कितना आ, कस्टमर आए तो नेक्स्ट साल वो अगले साल के लिए वो कर लेता है कि आने वाले ईयर्स में कितना वो कंपनी राइज करेगा और डाउन हो जाएगा तो इससे पता करते हैं सो नाउ लेट्स ऑन व्हाट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स इनसाइड देयर बिज़नेस एनालिटिक्स एप्लीकेशन सो वेयर इट इज़ यूज्ड सोना वट इज़ वेरी फेमस फॉर बिजनेस एनेटिक्स एवरी वेयर एवरी कंपनी वॉन्ट्स टू सभी चाहते हैं कि हमें बिजनेस एनाटिक्स uh, की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें प्रिडिक्शन करना पड़ता है प्रिडिक्शन नहीं मतलब वही सोच विचार करना पड़ता है कि आने वाले फ्यूचर में हम मेरा कंपनी कैसा खड़ा रहें तो मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप सेकेंड है फिनंशियल एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड प्राइजिंग डिसीजन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं कोई तो खासियत वजह होगी तभी तो हम इसका यूज़ करेंगे तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स विथ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ़ अ बिज़नेस कोई भी कंपनी जाहिर सी बात है कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी इसीलिए प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं रेवेन्यू ऑफ बिजनेस रेवेन्यू मतलब इट मीनस जनरेट देयर रेवेन्यू लाइक पर ईयर और बाई मंथ सो इट्स रेवेन्यू जनरेटिंग शेयर होल्डर रिटर्न इट मीन्स लाइक आप जब बीस uh, डॉलर में आप किसी सौ uh, प्रतिशत का शेयर खरीद लेते हैं तो आप उसका आधा मालिक होते हैं ना कि पूरा तो वो क्या होता है कि आप उसके थोड़े मालिक भी बन सकते हैं ज़्यादा पैसे आएंगे तो बी आई इनहैंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा बी इज़ अ वाइटल प्ले फॉर बिजनेस सीरीमेंट्स कम्पिटिटिव आप जान ही रहे हैं कि आज के दिन में कितने कम्पिटिशन हैं आज के समय में बिजनेस uh, एनलिटिक्स के यूज़ से हम अपने कंपटीशन को और ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि कोई कंपनी आपको पचास प्रतिशत छूट दे रही है तो आप उसमें क्या करेंगे और आप फाइव या टेन परसेंट छूट देंगे ताकि कस्टमर आपको प्रति क्या हो अट्रैक्ट हो सो बी बी एन ए बस क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स और एक ये क्या करता है कि एक सिंगल पेज डेटा प्रोवाइड करता है जैसे कि आप बारोग्राफ चार्ट पिक्टोग्राम ये सब ये आपको क्या करता है शो करता है सिंगल पेज इंफॉर्मेशन शो करता है पूरा वो जितना सारा जो कम्प्लेक्स डेटा रहता है तो उसको एक में करके एक पेज सिंगल पेज में आपको क्या करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है सो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनालिटिक्स कैसे ये काम करती है तो पहले क्या करते हैं कि हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप हम बिजनेस सेटअप करना है पहले हम उसके बारे में गहराई में सोचते हैं उसके बाद एनालिटिक अप्रोच करते हैं उसके हाव भाव को पढ़ते हैं फिर हमको क्या जरूरत पड़ेगी डाटा रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी उसके बाद रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी आपको उसके बाद क्या कीजिएगा आप आप ढूंढेंगे कि हम कहाँ कहाँ आएगा तो फिर आप क्या क्या कीजिएगा उसको डेटा को कलेक्शन कीजिएगा डेटा कलेक्ट करके हम फिर क्या करेंगे डेटा को अंडरस्टेंड करते हैं डेटा अंडरस्टैंड करने के बाद डेटा प्रिपरेशन करते हैं प्रिपरेशन प्रिपरेशन मीन्स इट मीन्स नाइनटी परसेंट ऑफ डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है सो so, अगेन अगर डाटा प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि अच्छा से नहीं हुई तो फिर क्या चले जाते हैं कम बैक फिर चले जाते हैं अगर डेटा आपको सही है एक्यूरेट है और आपको लग रहा है संतुष्ट है आप कंफर्म है कि आप एक्यूरेट डेटा को लेकर आगे जा रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे आ मॉडलिंग में चले जाएंगे मॉडलिंग में जाके फिर वैल्यूसन करेंगे डिप्लॉयमेंट करेंगे फिर फीडबैक लेंगे हम कस्टमर से कि ये सही है तो मैं फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये हमारी क्या हो गई अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनाटिक्स हो गया अब कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनाटिक्स कुछ तो कंपोनेंट्स होने चाहिए किस चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को मोर इफेक्टिव और क्या बोलते हैं इसको अच्छे तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे तो पहला हो गया कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव फिर हो गया डाटा एग्रीकेशन डाटा क्लीनिंग करते हैं एनेट्रिकल मेथोडोलॉजी हो गया इवेल्यूशन वैलिडेशन हो गया रिपोर्टिंग एंड वैलेशन हो गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनी वन आपको कोई पूछ देता है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनेटिक्स क्या होता है तो आप ये बस बोलेंगे आप छः होता है जो कि फर्स्ट थ्री जो होता है प्री प्रोसेसिंग होता है उसके बाद जो मिडिल सेकंड सेकेंडरी होते हैं वो क्या करते हैं एनालिटिक्स करते हैं लास्ट में क्या करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग कर देते हैं आगे के लिए भेज देते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे पेज वाइज में तो ये है डिफाइन ऑब्जेक्टिव डिफाइन ऑब्जेक्टिव इन्स फाइंडिंग ऑफ प्रॉब्लम क्या करते हैं पहले हम फाइंड करते हैं प्रॉब्लम को जैसे यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं फाइंड करते हैं प्रॉब्लम को यहाँ पे प्रॉब्लम uh, पहले ढूंढेंगे उसके बाद करते हैं डाटा एग्रीगेशन कलेक्शन ऑफ डाटा अब यहाँ पर क्या करेंगे हम जो डेटा यहाँ पे पहले फाइंड किया उसको क्या करेंगे कलेक्शन करेंगे देख रहे हैं बॉक्स यहाँ पे बॉक्स ये कुछ नहीं है डेटा है ये क्या कर रहे हैं कलेक्शन कर रहे हैं कलेक्शन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे डाटा क्लीनिंग करेंगे रिमूविंग अननेसेसरी थिंग अननेसेसरी थिंग मतलब कि जैसे कि कोई डेटा ऐसी है कि जैसे कि कोई मान के चलिए कोई बंदा है जिसमें कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम लास्ट नेम था तब उसमें सेकंड नेम वो नहीं डाला तो वो क्या हो गया हमारा अनवांटेड डेटा हो गया और कोई कोई अच्छे तरीके से किसी फॉर्म फिलअप नहीं किया कहीं इरर आ गया तो उसे क्या करते हैं हम उसको आ, डिलीट कर देते हैं और उसको हम डाटा क्लीन करते हैं उसी को हम डाटा क्लीनिंग करते हैं फिर क्या एनाटिकल मैथडोलॉजी अनलाइज डाटा डिफरेंट डाटा यूजिंग डिफरेंट मैथड्स अब हम इसमें क्या करते हैं यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मैथड यूज़ करते हैं एनाटिकल मैथड मैथ यूज़ करते हैं जैसे टूल्स हो गया हमको बताएं टूल्स हम आगे बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं टूल्स से हम यूज़ करके क्या करते हैं उसको अनेटिक मोर फिल्टरिंग करते हैं अच्छे तरीके से डाटा को प्रिपरेशन करते हैं जिससे कि क्या होता है नेक्स्ट हम आगे स्टेप uh, के लिए भेज देते हैं इवेल्यूशन एंड वैलिडेशन मतलब ये पता करता है कि इन्श्योर डट द सोल्यूशन करेक्ट और नॉट जितने भी आप प्रोसेस अभी पीछे कर चुके हैं अब अब जो ऊपर में आप जितने भी किए हैं वो सही है कि नहीं अगर सही है तो आगे प्रोसेस के लिए वो भेज देते हैं एंड लास्ट वन क्या है रिपोर्टिंग एंड डाटा बेस वाला जिसे प्रजेंटेशन ऑफ डेटा इन पिक्टोरिकल और ग्राफिकल फॉर्म में इससे यह क्या होता है कि आप जब डेटा को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद आप क्या कहाँ के लिए भेज देते हैं सिंगल पेज के लिए सिंगल पेज बोले तो हमेशा मैं बोल रहा हूँ सिंगल पेज सिंगल पेज आपसे ये सिंगल पेज मतलब कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक पेज में आपको पूरा होल डेटा का रिपोर्ट uh, मिल जाए एक तरीके से रिपोर्ट बोल सकते हैं जो कि समराइज तरीके से आपको एक बार में कोई भी देख के समझ आए कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा सो वही ग्राफिकल फॉर्मेट में करते हैं कभी उतार चढ़ाव ग्राफिकल फॉर्मेट तब बचपन से ही पढ़े होंगे स्टैटिक्स अस्टैटिक्स सो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स मेथड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस एनालिटिक्स में सो so, पहला है डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सो डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन व्हाट हैपन तो डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि मान के चलें कि आपको कोई बुखार आई है या फिर कोई हेड एक प्रॉब्लम है आप तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं आप डॉक्टर के पास, पास, पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है क्या पूछता है कि प्रॉब्लम कि एक्सप्लेन व्हाट हैपन वो पूछता है कि आपको हुआ क्या है तो आप बताते हैं कि सर ये ये प्रॉब्लम है सर आई एम फीलिंग नॉट वेल और सम हेड एक प्रॉब्लम तो आप इस तरह बातें उसको बताते हैं तो वो क्या होता है कि आपको बातें को जानना वो क्या कहता है डिस्क्रिप्टिव करता है अब डायग्नोस्टिक एक्सप्लेन वाइट हैपन ये क्यों हुआ आपका वो क्या लेता है सैम्पल्स लेता है आपका ब्लड ग्रुप चाँच लेता है तो उसे वो पता करेगा कि आपको हुआ क्या था तो इसी तरह हमारा डाटा में क्या करते हैं पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसमें देखते हैं कि इस डेटा में क्या है इस डेटा में कुछ खासियत है आने वाला फ्यूचर में इसमें कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है वो चेक करते हैं उसके बाद फिर वो अगले कहाँ भेज देते हैं प्रिडिक्टिव के लिए फोरकास्ट वाट माइट हैपन फोरकास्ट मिथ मतलब फ्यूचर्स मतलब कि आने वाले फ्यूचर्स में हमारा क्या होगा तो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉसिबल uh, आउटकम्स uh, uh, क्या होगा हमारा तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्या स्टैटिकल्स टेक्निक यूज़ करते हैं मॉडल एंड मशीन लर्निंग भी इसमें यूज़ करते हैं प्रिडिक्टिव में टू मोर बेटर क्लैरिटी मतलब कि अच्छी क्लैरिटी के लिए हम मशीन लर्निंग का भी इसमें यूज़ करते हैं और लास्ट वन हो गया प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव रिकमेंड्स एंड एक्शंस बेस्ड ऑन द फोरकास्ट लास्ट में हम क्या करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव को यूज़ करते हैं जो कि ये हमारा सबसे ये जो प्रिस्क्रिप्टिव है ये तीनों बेस है ये इन तीनों पे ये अगर सही हो जाए तो ये आगे निकल जाएगा तो अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स सॉरी स्लाइड इधर उधर चला और टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स मेथड्स अभी तो मैं बता ही चुका हूँ कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव में कंप्रेंसिव एंड लाइफ डेटा इफेक्टिव विजुअलाइजेशन फिर डायग्नोस्टिक में क्या होता है एबिलिटी टू ड्रिल डाउन टू द और रूट क्रॉस ड्रिल डाउन क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं ड्रिल डाउन क्या होता है तो आप आप नीचे कमेंट में आप बताएं कि ड्रिल डाउन होता है क्या है मैं उसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा अगर ज़्यादा लाइक कमेंट आएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे ड्रिल डाउन पे ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो आप उनसे आप जरूर उन्हें कॉमेंट में ज़रूर लिखें अगर आप इन्हें चाहते हैं तो ड्रिल डाउन क्या था मैं अभी बता दे रहा हूँ ड्रिल डाउन ये होता है कि आप किसी भी डेटा को क्या करते हैं हम ड्रिल करते हैं ड्रिल डाउन मतलब आ, सुनने में ही लग रहा होगा कि, कि ड्रिल ऑन डाउन मतलब क्या होता है कि हम डेटा को और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं लाइक हम बोलना चाह रहे हैं ड्रिल डाउन ये ओला का ही मॉडल है ओला ऐप बताए थे कि ना ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस क्या होता है अगर ये भी जानना है तो आप नीचे कमेंट करें तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा तो ड्रिल डाउन बेसिकली होता है क्या है कि ना कि आप जो डेटा है वो थ्री फॉर्म में करते हैं जैसे कि आप मंथ ईयर और डेज है आप देखना चाहते हो तो आप थ्री डी फॉर्मेट देखिए मंथ थ्री मंथ डाल दीजिए उसमें डेट डाल दीजिए और ईयर डाल दीजिए तो आपको क्या होगा कि डेटा को जो आप जो कॉलम्स हैं वो और विस्तार में हो जाएंगे और आप उसको गहराई में जाँच कर पाएंगे तो वही होता है तो इसलिए डायग्नोस्टिक हमेशा क्या करते हैं जैसे ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप के लिए आपको क्या करते हैं थोड़ा अच्छे से देखते हैं उसमें केमिकल मिला के देखते हैं कि कौन सा बीमारी बंदा को कौन सा बीमारी हुआ है द रूट कॉज एबिलिटी टू आइसोलेट द कन्फ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन सॉरी कन्फ्यू कन्फाउिंग इन्फॉर्मेशन uh, और फिर क्या है नेक्स्ट प्रिडिक्टि प्रिडिक्टिव तो बताएं वाट लाइकली टू हैपन क्या होने वाली है इन फ्यूचर में तो बिजनेस स्ट्रेटेजी रिमेंड फेयरली कंसिस्टेंट ओवर टाइम हिस्टोरिकल पैटर्न बींग प्रिडिक्ट स्पेसिफिक आउटकम्स यूजिंग एलगोरिदम बताए ना कि प्रिडिक्टिव में मतलब बहुत सारे एलगोरिदम यूज करते हैं मैथामिकल एल्गोजम कोई एक्रेट डेटा फाइंडिंग करने के लिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना कि प्रिडिक्ट करना डेटा को उसके बाद आने वाला फ्यूचर में हम करते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स हमारा कितना होना चाहिए और प्रिस्क्रिप्टिव में होता है कि वाई डू आई नीड टू डू हमें क्यों ही जरूरत है इसे तो आ, हमें बताया कि इसमें कुछ एग्जाम्पल है कि अप्लाइंग एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक्स टू मेक अ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इसमें कि एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं नावर्डेस बहुत सारे पावर बी आई टूल्स वगैरह है ये सब को यूज़ करके ये क्या करते हैं पूरा एक्यूरेट फाइंड करते हैं डेटा को सो so, ये हमारा टॉपिक था और फिर इधर है यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स अब कुछ तो अब इतना तो मैं हम लोग पढ़ाई कर लें कि क्या होता है क्यों काम करते हैं बट अब अब क्या करते हैं हम इसको क्या करते हैं यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एनेटिक्स अब किस तरह हमें ये बिज़नेस में किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं और कि, आ, हमें किस तरह का लाभ ये पहुँचाता है तो बेनिफिट्स ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस पहले क्या करता है अंडरस्टैंड कस्टमर बेटर आपको हाव भाव पड़ता है कि कस्टमर का मूड में क्या है किस टाइप का वो सामान खरीदना चाहता है और किस टाइप का कलर पसंद है किस टाइप का रेंज उसको पसंद है और किस टाइप का वो उसको ऑफ़र पसंद है मतलब ये सब वो कस्टमर का हाव भाव पहचान लेते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं बट किससे जानते हैं डेटा से तो डेटा ही इसलिए बोलते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में फिर क्या है ड्राइव परफॉर्मेंस एंड रेवेन्यू रेवेन्यू से रेवेन्य। तो जनरेट करता ही है यू कैन ग्रेड लीड्स वो ग्रेड लीड्स करते हैं आइडेंटिफाई सेल्स ट्रेंड सेल्स ट्रेंड्स जैसे कि जैसे कि अभी होली आने वाला है तो होली में समय में क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति क्या करेंगे कि आ, कपड़े का डिमांड रहता है तो कपड़े में क्या करेंगे कि बाई वन गेट वन फ्री कर देंगे तो इस तरह क्या होगा कि पब्लिक क्या होंगे अट्रैक्ट करते हैं ये सब चीज़ों में तो वो सेल्स पे ट्रेंड करते हैं कि कौन सा मार्केट में भी ज़्यादा डिमांड है तो उस पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस मोर इजली इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशेंसी अब देखिए कि इससे हम यूज़ करके क्या क्या हमें फायदा मिलती है तो फास्टर रिपोर्टिंग एनालाइज और प्लानिंग होता है मोर एक्यूरेट रिपोर्टिंग एनालाइजिंग और प्लानिंग बेटर बिजनेस डिसीजन हम आगे के लिए हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं इन द केस ऑफ फ्यूचर कि हमें ये खोलना है वो खोलना है तो हम अभी से ही इसको तैयार करें तो हमारे जब जड़ें मजबूत होंगे तो आप आप अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस में पकड़ मजबूत बनाएंगे फिर क्या है इम्प्रूव डेटा क्वालिटी आप डेटा क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं जो पीछे आप बीत गए आप उसको याद नहीं कीजिए आप उससे आगे बढ़िए इम्प्रूवड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन आपके जो एम्प्लॉय हैं उसको सेटिस्फैक्शन दिलाएंगे इम्प्रूवड ऑपरेशनल इफिशियंसी इम्प्रूव कस्टमर सेटिसफेक्शन सेटिसफाइस करेंगे कि हम आपके लिए बेहतर काम करने लायक हैं आने वाले दिन में और अभी भी इंक्रीज कम्पटिव एडवांटेज और आपको बताए ना कि आज के समय में बहुत सारे कम्पिटि कम्पटिशन हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट हैं तो आप उसमें भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और आपको ये बहुत फायदा देने वाला है अब देखिए अब ये है हमारा बिजनेस एनेटिक्स टूल्स टॉप सेवन बिजनेस एनेटिक्स टूल्स क्या क्या है डावेलू है सास है एक्सेल है नाइम है क्विक लेंस है पावर बी आई है आप जानते होंगे एक्सेल हमेशा सबको यूज़ करते होंगे बचपन से यूज़ करते हैं कोई कोई और कोई तो भाभी यूज़ करते होंगे पावर बी आई पावर बी आई भी बहुत अच्छी है क्योंकि तो ये तीनों फॉर्मेट में है मोबाइल में भी है डेस्कटॉप में भी है और सर्वर बेस भी है तो आप इससे पावर बी आई को एक्सेस इजली कर सकते हैं ये फ्री वर्जन है आप एक बार यूज़ कीजिए पावर बी आई को एनालाइज कीजिए डेटा को तो ये सब हमारे क्या थे टूल्स ये सब चीज़ें, चीज़ें यूज़ करके एनेटिक टूल्स हैं हम ऑलरेडी सुबह मतलब कि फ़र्स्ट टाइम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा था कि एनालिटिक टूल्स होता क्या तो विदाउट टूल्स इट कॉन्ट इज़ी टू फाइंड मोर फिल्टरिंग द डेटा सो एनालिटिक्स टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आज के समय में और ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है तो आज के समय में एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत अलग अलग क्षेत्र में हैं गेमिंग पर्पस में हो गया मतलब मेडिकल सेक्टर में हो गया टीचिंग सेक्टर में हो गया मतलब कि फीडबैक देखते हैं कि वो किस तरह का हमें चाहिए सो so, हमारा यही वीडियो था थैंक यू नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे